हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 माह के बच्चे की देखभाल करने के बारे में। बच्चे की देखभाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, घर में नन्ना मेहमान खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी लाता है। शुरुआत में इसकी खास देखभाल बेहद ज़रूरी है ताकि वह रोगों से दूर रहे और सेहतमंद बने। इन जिम्मेदारियों में माँ का रोल बहुत अहम होता है। जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनकी मदद से आप इस नन्हे मेहमान को हेल्दी रख पाएंगे। 6 माह के बच्चे को हेल्दी रखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, 6 माह तक माँ का दूध जरूरी। नवजात को करीब 6 माह तक माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। शायद इसलिए नवजात शिशु के लिए माँ का दूध बेहतर माना गया है। नंबर 2, रूम का तापमान मेंटेन करें। नवजात काफ़ी नाजुक होता है, ऐसे में शिशु अपने आप को बाहरी तापमान के अनुरूप नहीं डाल पाते। बच्चे को हमेशा ढककर ही रखें। साथ ही बच्चा जिस कमरे में हो उस कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए। नंबर 3, मजबूत हड्डियों के लिए मालिश। जन्म के समय नवजात की हड्डियां नाजुक होती हैं, ऐसे में हड्डियों को मजबूत करने के लिए माँ को चाहिए कि वह बच्चे की मालिश जरूर करे। डॉक्टर से बात कर बाजार में उपलब्ध बेहतर तेल चुन सकते हैं। नंबर 4, बच्चा अधिक रोए तो डॉक्टर से मिलें। नवजात का रोना हमेशा चिंता की बात नहीं होता। ज़्यादातर शिशु भूख लगने या बिस्तर गीला होने पर रोते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बनी है फिर भी बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो आपको फिर किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर 5, फोटोथेरेपी जरूरी। नवजात के लिए धूप जरूरी होती है, उसे कुछ देर धूप में घुमाने की प्रक्रिया को फोटोथेरेपी कहते हैं। इससे नवजात की हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चे को थोड़ी देर रोजाना धूप में घुमाएं, यह एक्सरसाइज उसे हेल्दी रखेगी। नंबर 6, नवजात शिशु को 6 माह बाद ठोस आहार दें। 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस आहार देना शुरू कर दें। ठोस आहार का मतलब यह नहीं कि उसे ऐसा आहार दें जिससे उसको पचाने में दिक्कत हो, यानी खीर, दलिया, सैरेलेक, खिचड़ी आदि। नंबर 7, कपड़ों से ना हो संक्रमण ध्यान रखें। नवजात की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे सिर्फ कोमल कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके अलावा शिशु के कपड़े बिल्कुल अलग से धोएं और अलग से ही सुखाएं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है नवजात शिशु की देखभाल करने के उपाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।